पारशिवनी शहर में इतवार को बड़ी ही धूमधाम से सालाना उर्स मनाया गया, जिसमें दोपहर को हजरत जिंदा शाह वली तकिया दरगाह में सभी मुस्लिम भाई बहनों ने, सभी धर्म के लोगों ने इस संदल में हिस्सा लेते हुए शहर का भ्रमण किया। जुलूस का जगह जगह बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। शहर के सभी प्रभागों में इस जुलूस का भ्रमण किया गया, जिसमें ढोल ताशा डीजे के धूम में युवाओं ने नाचते गाते इस संदल में हिस्सा लिया। वहीं जगह जगह संदल का भव्य स्वागत भी किया गया। संदल में शामिल होने के लिए नागपुर शहर के साथ ही नागपुर जिले से बड़े पैमाने पर लोगों ने संदल में हिस्सा लिया था। नमाजे फजर गुसले मजार शरीफ शाम 5 बजे, परचम कुशाई बाद नमाज ईशा मिलाद शरीफ इतवार 3 बजे संदल का आयोजन किया गया था। शाम 6 बजे से सभी भक्तों के लिए लंगर का आयोजन तकिया मारुति देवस्थान परिसर में किया गया था। इस संदल में हजारों महिला पुरुष युवाओं तथा छोटे बड़े नन्हे बच्चों ने हिस्सा लिया। दरगाह शरीफ परिसर में मनमोहक रोशनाई की गई थी, वहीं फूलों से सभी परिसर को सजाया गया था। इतवार शाम को शाही संदल का शाम 9 बजे समापन किया गया। इस अवसर पर पारशिवनी पुलिस विभाग की ओर से भारी बंदोबस्त भी किया गया था। पारशिवनी से PC News के लिए संवाददाता रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।